आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। बुंदेलखंड में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार पर राहुल ने मांगी माफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जेल और बेल वालों को मजबूत सरकार बर्दाश्त नहीं। राहुल गांधी की नागरिकता का मामला गरमाया। गृह मंत्रालय ने दिया नोटिस, नागरिकता पर सही तथ्य पेश करें। एमपी में बढ़ सकती है कमलनाथ की मुश्किल। मायावती कांग्रेस से वापस ले सकती है समर्थन। और सिद्धू ने प्रधानमंत्री को कहा राष्ट्रद्रोही। दिग्विजय सिंह ने मंच से अधिकारियों को दी धमकी। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संदर्भ देकर चौकीदार चोर है की टिप्पणी करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में गलती मान ली। इसके बाद वो 6 मई को इसे लेकर हलफनामा दाखिल करेंगे। राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने नया हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि मैंने गलत बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने सोमवार को दूसरा हलफनामा दाखिल कर फिर से खेद जताया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लेकर नाराजगी जताई। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा कि आपने हमारे हवाले से ऐसा कैसे कह दिया। इस पर राहुल गांधी की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने अपने हलफनामे में पूरी तरह से खेद जताया है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि हलफनामे में हमें बताइए खेद कहाँ लिखा है, गलती की है तो उसे मानिए भी। जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा चुनावी गर्मा गर्मी में यह बयान गलती से निकल गया और उसके लिए खेद भी जताया है। लेकिन मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने सबूत पेश करते हुए कहा कि गलती एक बार हो सकती है, दो बार हो सकती है, लेकिन राहुल ने कई बार अलग अलग मौक़ों पर सुप्रीम कोर्ट के नाम पर बयान दिया। इसके बाद आपराधिक अवमानना से बचने के लिए राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल करते हुए माफ़ी मांगी। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुंदेलखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा पिछले 5 सालों में चौकीदार ने दबाकर गरीबों से पैसा खींचा। आपसे पैसा लेकर इस चौकीदार ने अंबानी, माल्या और नीरव मोदी जैसे को बांट दिया। मैं अंबानी, नीरव मोदी, माल्या किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बुंदेलखंड से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। राहुल ने कहा भाजपा ने चुनाव आयोग में मेरी शिकायत की है, मुझे चौकीदार शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिछले 5 सालों में चौकीदार ने दबाकर गरीबों से पैसा खींचा। आपसे पैसा लेकर इस चौकीदार ने अंबानी, माल्या और नीरव मोदी जैसों को बांटा। मोदी ने बुंदेलखंड के लोगों के खाते में 15 लाख डालने का वादा किया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। पीएम मोदी ने 15 लोगों का 5 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया, लेकिन गरीबों के खाते में पैसा नहीं डाला। हम बुंदेलखंड के लोगों के खाते में 72,000 रुपये डालेंगे। हम 25 करोड़ गरीबों को हर साल 72,000 रुपये देंगे। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने नोटबंदी को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी जी और प्रेस वाले आप अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी जी पैसा अनिल अंबानी की जेब से निकालूंगा मैं। वो आपका जो दोस्त है ना 30,000 करोड़ रुपए उसके जेब में डाले, जो आपने 35,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया उसका, उसकी जेब में से निकालूंगा। और जनता जानती है, देखो मैं पहला नाम लूंगा, आप दूसरा नाम लेना। अनिल, मेहुल, नीरव, विजय, ललित, ये लिस्ट है मेरे पास भाई और बहनों, लिस्ट है, लिस्ट। एक एक करके इनके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के न्याय योजना में आपको देने जा रहा हूं।
राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी के बाद विजय माल्या, नीरव मोदी, अंबानी जैसे अमीर लोग लाइन में नहीं लगे, बल्कि बुंदेलखंड के गरीब लोग अपने पैसे के लिए कतार में लगे रहे। मैं अंबानी, नीरव मोदी, माल्या किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। न्याय योजना के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को चालू करने का काम करूंगा। रोजगार के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, हम सत्ता में आने के साल भर के भीतर इन पदों को भर देंगे। राहुल गांधी ने टीकमगढ़ के जतारा, दमोह के पथरिया और पन्ना के अमानगंज में भी सभाएं की। राहुल गांधी ने इन सभाओं में बुंदेलखंड की खजुराहो, टीकमगढ़ और दमोह लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को चुनाव प्रचार के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा, जो जेल में हैं या जेल के दरवाजे पर हैं, जो बेल पर हैं या बेल के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वो सब केंद्र में एक मजबूत सरकार को एक मिनट भी बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान हमने चलाया है, उसकी रफ्तार धीमी नहीं पड़ेगी। इनको गरीब का लूटा एक एक पैसा लौटाना ही पड़ेगा। जैसे हम मिशेल मामा को उठा कर लाए हैं, उसी तरह इनके बाकी चाचाओं को भी भारत आना ही पड़ेगा। विपक्ष पर नरेंद्र मोदी का हमला जारी है। स्वार्थ और सिर्फ अपने हित के लिए समर्पित इन महामिलावटियों की मंशा को समझना बहुत जरूरी है। जितने भी महामिलावटी दल हैं, उनमें ज्यादातर इतनी सीटों पर भी नहीं लड़ रहे हैं कि लोकसभा के नेता विपक्ष का पद भी प्राप्त कर सके। जिनके नसीब में नेता विपक्ष का पद नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मोदी ने कहा कि 4 चरणों में चुनाव के बाद कुछ लोग चारों खाने चित हो चुके हैं। अब अगले चरण में ये तय करना है कि इनकी हार कितनी बड़ी होगी और भाजपा एनडीए की जीत कितनी भव्य होगी। केंद्र सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो छटपटा रहे हैं किसी भी तरह से अपने कुछ मेंबर की संख्या बढ़ाने के लिए। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बिहार में फिर से लूटपाट के दिन उस दौर को वापस लाना। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बेटियों का अपहरण, गुंडागर्दी, हत्याएं, हर योजना में भ्रष्टाचार। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है सूरज ढलने के बाद अपने ही घर में कैद हो जाना, गुट गुट के जीना, पलायन के लिए मजबूर होना। बिहार को इन लोगों ने यही दिया है। आज फिर से ये लोग अपनी जीत दृष्टि जमाए हुए हैं बिहार पर। मोदी ने कहा कि जिन्होंने बिहार की पहचान बदली थी, वो इस चुनाव में केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे, वो किसी भी तरह से अपने सदस्य बढ़ाने के लिए छटपटा रहे हैं। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बिहार में लूटपाट, अपहरण, भ्रष्टाचार के दिन वापस लाना। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बेटियों का अपहरण, गुंडागर्दी, हत्या, हर योजना में भ्रष्टाचार। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है सूरज ढलने के बाद अपने ही घर में कैद हो जाना, घुट घुट के जीना, पलायन के लिए मजबूर होना। उनका लक्ष्य है दिल्ली में कमजोर सरकार बने, ताकि ये फिर से मनमानी कर सके। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस।
देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता का मामला गर्मा गया है। अब इस संबंध में गृह मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है। राहुल गांधी से पूछा गया है कि आपकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर शिकायत की गई है, इस पर आप अपना रुख स्पष्ट करें और तथ्य सामने रखें। राहुल गांधी से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। गृह मंत्री ने राहुल गांधी को यह नोटिस भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी की शिकायत पर भेजा है। 29 अप्रैल को नागरिकता निदेशक बीसी जोशी की तरफ से भेजे गए इस नोटिस में राहुल गांधी से पूछा गया है कि एक कंपनी के दस्तावेज में आपकी नागरिकता ब्रिटिश घोषित की गई है, इस पर आप सही तथ्य साझा करें। पत्र में लिखा है, सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय को बताया है कि 2003 में यूके के रजिस्टर्ड बैकऑप्स लिमिटेड नाम की कंपनी में राहुल गांधी निदेशक हैं, साथ ही इस कंपनी में सचिव भी हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि 2005 व 2006 में कंपनी द्वारा फाइल किए गए वार्षिक रिटर्न में आपकी जन्मतिथि 19 जून 1970 बताई गई है और आपने अपनी नागरिकता ब्रिटिश घोषित की है। स्वामी की शिकायत पर हवाला देते हुए नागरिकता निदेशक ने राहुल गांधी से कहा है कि ब्रिटिश नागरिकता इस शिकायत पर आप तथ्य सामने रखें और यह पत्र मिलने के 15 दिन के अंदर गृह मंत्रालय को अपना जवाब दें। इससे पहले राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उनके नामांकन पर भी आपत्ति की गई थी। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। चुनाव के बाद कमलनाथ सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस सरकार को समर्थन जारी रखने पर पुनर्विचार किया जाएगा। मायावती ने कहा कि गुना लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने बीएसपी उम्मीदवार को डरा धमकाकर जबरदस्ती बैठा दिया है। कमलनाथ सरकार पर संकट गहरा सकता है। बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। मायावती ने इसके साफ संकेत दिए हैं। मायावती अब तक दिग्विजय सिंह से नाराज थी, अब उनकी नाराजगी पूरी कांग्रेस से है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में बीएसपी प्रत्याशी के बैठने का ऐलान किया था। इसके बाद मायावती ने पूरे मामले की रिपोर्ट मंगवाई और एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने के मामले में कांग्रेस भी बीजेपी से कम नहीं है। एमपी के गुना में बीएसपी उम्मीदवार को कांग्रेस ने डरा धमकाकर जबरदस्ती बैठा दिया है, किंतु बीएसपी अपने सिंबल पर ही लड़कर इसका जवाब देगी। वह अब कांग्रेस सरकार को समर्थन जारी रखने पर पुनर्विचार करेगी। बीएसपी के सूत्र बताते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस कारनामे के बाद मायावती का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उन्होंने अपनी कोर कमेटी से कहा है कि जल्दी कांग्रेस सरकारों को दिया गया समर्थन वापस ले लिया जाएगा। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह के समर्थन में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई वार किए और उन्हें राष्ट्रद्रोही कहा। संतनगर के बस स्टैंड पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित किया। आम सभा में दिग्विजय सिंह ने कहा कि आपने प्रदेश में 10 वर्षों तक बीजेपी की सरकार देखी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार देखी, देखो कैसा हाल कर दिया था जनता का। सभा में पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि भाजपा सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती है, भाजपा सरकार ने जनता को ठगा है, कुर्सी खाली करो। इस सभा में सिद्धू शब्दों की मर्यादा भी भूल गए और उन्होंने मोदी राष्ट्रद्रोही तक कह दिया। जेट एयरवेज पूरी तरह से बंद हो गई, सरकारी बीएसएनएल 5,50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, तुमने उसको 4G का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, किसको दिया? जियो दंदनादन, जियो दंदनादन, अंबानी दंदनादन। फोटो खिंचाई पेटीएम के साथ, नोटबंदी रात को करते हो, सवेरे पेटीएम के साथ फोटो खिंचाते हो, हैं? ये तुम्हारी राष्ट्रभक्ति है? क्या बात करते हो नरेंद्र मोदी, तुमसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कोई देखा नहीं। 2,00,000 करोड़ के एनपीए थे सरकारी बैंकों की चोरी जब सरदार मनमोहन सिंह थे, आज 17,00,000 करोड़ एनपीए हो गया नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मिला के। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यनंद ने ऐलान किया है कि अगर दिग्विजय सिंह नहीं जीते तो मैं समाधि ले लूंगा। ये बाबा दिग्विजय को जितवाने के लिए 5 क्विंटल लाल मिर्च से हवन भी करेंगे।
भगवा कपड़ों को लाल कपड़ा बताने वाले ये महामंडलेश्वर स्वामी बैराग्यनंद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का प्रचार कर रहे हैं। इनका कहना है 20,000 साधु दिग्विजय सिंह का प्रचार करेंगे। इन बाबा जी का कहना है अगर दिग्विजय सिंह नहीं जीते तो मैं समाधि लगा लूंगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के प्रशंसक ये बाबा जी एक तांत्रिक अनुष्ठान भी भोपाल में करने वाले हैं। 5 मई को ये बाबा 5 क्विंटल लाल मिर्च से दिग्विजय की जीत के लिए हवन करेंगे। जिस जगह मैं हवन करूंगा बहुत आराम से मैं हवन का स्थान आपको कल या परसों बताऊंगा। आज नहीं बताऊंगा ना, आज मैं देखूंगा जगह मुझे कहाँ करनी है। नहीं मुझे संशय नहीं, तभी तो मैं यज्ञ कर रहा हूँ। मुझे संशय नहीं है इसीलिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ। मुझे संशय नहीं है इसलिए मैं जिंदा समाधि की बात कर रहा हूँ। भारत का सन्यासी घर घर वोट मांगेंगे। भारत के वो सन्यासी जो लाल कपड़ाओं पे प्रसन्न चिन्ह लगाते हैं, लोग के लाल कपड़ा पहनने वाले कांग्रेस के साथ नहीं है। कम से कम 20,000 साधु घर घर जाकर के वोट मांगेंगे ऐसे राजा के लिए जो सचमुच ही जगत गुरु शंकराचार्य का यानी भारत वर्ष के सन्यासियों का सम्मान कर। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रत्याशी पसंद ना आए तो नोटा का बटन दबाएं। सागर के एक शख्स ने नोटा के प्रचार की अनुमति प्रशासन से मांगी है। इसके बाद आला अधिकारी सख्ते में है कि क्या करें और क्या ना करें। नोटा को लेकर अब तक आप इतना ही जानते हैं कि कोई प्रत्याशी पसंद ना आए तो नोटा दबाओ, मगर सागर के एक शख्स ने नोटा के पक्ष में प्रचार प्रसार की अनुमति मांगकर सागर के जिला प्रशासन को मुश्किल में डाल दिया है। सवर्ण सेना प्रमुख कपिल स्वामी ने कलेक्टर और सिटी मजिस्ट्रेट को आवेदन करके कहा है कि उन्होंने नियमों के तहत नोटा के पंपलेट छपवाने और उनके पक्ष में रैली करने की अनुमति चाहिए। इस आवेदन के बाद से ही अधिकारी नियमों की किताबों और चुनाव के पंडितों से जानकारी लेने में जुटे हैं। ये कहीं से कहीं तक वोट व्यर्थ नहीं है और बस इसी की अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए लोगों को बताना चाह रहा हूँ मैं पंपलेट के माध्यम से, रैली के माध्यम से, कि नोटा दबाना आपका वोट व्यर्थ होना नहीं। अब देखते हैं, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल समस्याएं आ रही है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब का कहना है कि अभी इस संबंध में ये भारत में शायद पहला मामला है, तो अब वो भी नोटा का जो भी इतिहास है उसको पढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट से जानकारी ले रहे हैं और यदि कहीं कोई समस्या नहीं होती तो मुझे लगता है कि मिल जाएगी परमिशन। देखते हैं आज उसका फैसला होगा। आवेदक का कहना है कि जब चुनाव आयोग ने ईवीएम में नोटा का विकल्प दिया है तो उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए खर्च करने पर उस खर्च को कैसे और कहां दिखाया जाएगा। नोटा के पक्ष में प्रचार की अनुमति का संभवतः यह देश का पहला मामला है। अंदर की बात यह है कि इस संबंध में सागर जिले के अधिकारियों ने भोपाल तक मास्टर ट्रेनरों को खंगाल डाला, लेकिन मगर कोई जवाब नहीं मिला। वहीं अधिकारी चुनाव आयोग के डर से इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। रीवा की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र की सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिवराज सरकार में जितने उद्योग लगे नहीं उनसे ज्यादा बंद हो गए। कमलनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया और कहा मोदी कार्यकाल में युवाओं को रोजगार नहीं मिला।
मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनावी सभा को संबोधित करने रीवा पहुंचे। कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने जवा और मनगवा में आम सभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मोदी ने देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया गया। पूरा प्रदेश बेरोजगारी से जूझ रहा है। याद रखिएगा जो मोदी जी कहते थे, याद रखिएगा शिवराज सिंह जी कहते थे, कितनी घोषणाएं कर दी शिवराज सिंह। मैं तो जगह जगह जाता हूँ, लोग मुझे कहते हैं जी ये स्वीकार कर लीजिए। मैंने कहा ये क्या चीज है? कहते ये बांध है या पेयजल की है, जो भी बात हो, अस्पताल की है, कॉलेज है। कहते शिवराज सिंह जी ने 4 दफे यहाँ घोषणा करी है इसके। कमलनाथ घोषणा नहीं करते, मैं घोषणा नहीं करता, मैं फोटो नहीं छपवाता, मैं विज्ञापन में नहीं देता, मैं तो अपना वचन देता हूं और वचन को पूरा करता हूं। यही अंतर है और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आज ये सच्चाई पहचानना। कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज खुद को किसान पुत्र बोलते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में किसानों पर गोलियां बरसाई गईं। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में जितने उद्योग खोले नहीं गए, उतने ज्यादा बंद हो गए। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों में उन्होंने बहुत से घोटालों में अपनी सहभागिता दिखाई है। सीएम ने कहा कि रीवा से सिद्धार्थ नहीं, खुद मैं चुनाव लड़ रहा हूं। रीवा की सरकार भोपाल से नहीं चलेगी, बल्कि भोपाल की सरकार रीवा से चलेगी। कमलनाथ ने अपनी सरकार के 75 दिनों के कार्य का उल्लेख किया और कहा रीवा में विकास के नए आयामों को जोड़ा जाएगा। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के मंच पर अक्सर बिजली गुल हो जाती है। 2003 में तो बिजली दिग्विजय सिंह की सरकार को ही ले डूबी थी। अब दिग्विजय सिंह चुनावी सभाओं में मंच से बिजली विभाग के अफसरों को धमकाते नजर आ रहे हैं। उनकी सभा में जब बिजली चली गई तो फोन से उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारी की क्लास लगा दी। कांग्रेस सरकार और बिजली का बैर कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस आई और बिजली गई, यह जुमला इतना चर्चित है कि खुद दिग्विजय सिंह इसका प्रयोग अपनी सभाओं में कर रहे हैं। वे कहते हैं यह हमें बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। चुनावी सभा में उनके भाषण के दौरान ही बिजली गुल हो गई। इस पर गुस्साए दिग्विजय ने मंच से बिजली विभाग के अधिकारी को फोन लगाकर कहा, चौहान साहब नमस्कार, अब आपका फोन हमारे माइक पर है, जहां भी मैं जा रहा हूं वहां बिजली कट हो रही है, क्या यह शेड्यूल कट है क्या? अधिकारी बोला, मैं पता लगाता हूं सर, इन्वेस्टिगेशन भी करूंगा। दिग्विजय बोले, इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है, इतने में बिजली आ जाती है, हमने आपको फोन लगाया तो लाइट आ गई। किसानों को हर वक्त क्या ई साहब को फोन करना पड़ेगा क्या? मैं पब्लिक का आदमी हूं, आप लोग क्यों बदनामी करा रहे हैं? मैं शिकायत कर रहा हूं आपकी, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। इस वाक्य के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह सब भाजपा की ही चाल है। भाजपा ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियुक्त किया हुआ है, पहले बिजली काटते हैं फिर SMS करते हैं, कांग्रेस आई और बिजली गई, मैं एक एक को देख लूंगा। जी चौहान साहब नमस्कार, आप अब हमारा मोबाइल माइक उस पर है आप। मैं यहाँ पे 2 बार मीटिंग हो गई मेरी, जहां मैं जा रहा हूँ बिजली कट रही है, क्या शेड्यूल कट है क्या? कट नहीं है तो यहाँ बिजली कट कैसे रही है फिर? अरे इन्वेस्टिगेशन तो आप करेंगे, लेकिन आपके नीचे के लोग सब गड़बड़ कर रहे हैं, उनके आप क्या नियंत्रण कर रहे हैं आप? ये यही साहब भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। 132 से बंद हुई है, आप कह रहे हैं कट नहीं है, कैसे बंद हुई 132 से? नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं है इसमें सब सेबोटाज है। हेलो, मैं कह चुका हूँ आपको पहले, ये भोपाल वन बंद कैसे हो गई? अब कौन है जी? इसको गेट क्यों लगाया यार, कॉल करना है मैं। जी हमने आपको फोन लगाया तो वापस आ गए, ये कैसी ट्रिपिंग है भाई? अब ये किसान लोग क्या हिसाब से हमको फोन करना पड़ेगा क्या? अरे किसी का हो मैं नहीं जानता, मैं पब्लिक का आदमी हूँ। जब बिजली सरप्लस है इस देश प्रदेश में, तो क्यों हम लोगों की बदनामी कर रहे हैं आप लोग? अरे किसी का हो मैं 132 और 11 मैं नहीं जानता, नहीं मैं शिकायत कर रहा हूँ आपकी और सबकी,
बाकी आप जानिए और आपका काम जानिए। दिग्विजय सिंह हुजूर विधानसभा के गांव दीपड़ी स्थित तीरथ यूनिवर्सिटी में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तब ये घटना हुई। तब अचानक बिजली गुल हो गई। ग्रामीणों ने भी बिजली अधिकारियों की शिकायत और मनमानी बताना शुरू कर दिया। तब दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब सभा नहीं बल्कि इसी मसले पर आप सभी के सामने बात होगी। बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों को सार्वजनिक तौर पर धमकाने का नया चलन कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। ऐसे में बिजली विभाग के कर्मचारी और भी कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में अब पहली मानव रहित बैंक शाखा खुलने जा रही है। यह निर्णय केनरा बैंक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की प्रादेशिक बैठक में लिया गया है। बैंक में रोबोट के द्वारा ग्राहकों को सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कैनरा बैंक की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की प्रादेशिक बैठक का आयोजन भोपाल में किया गया। आयोजन में बैंक की कार्यपालक निदेशक ने बताया कि बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक नगरी इंदौर में केंडी ब्रांच नामक मानव रहित बैंक की स्थापना की जाएगी। इस बैंक में रोबोट के माध्यम से लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मध्य प्रदेश में इस तरह का यह पहला बैंक होगा। वी हैव गॉट सम कॉन्सेप्ट कॉल्ड कैंडी वेयर इट इज कॉल्ड द कैनरा डिजिटल where we have a separate branch where the robot does all the function. The customer can walk into the branch and do all his transactions and we do not need a physical presence of any staff there. So we would like to increase the business and we are hoping to increase the business to about more than 20%, 20% in the branch. And we are also doing lot of reorganization of our branches so that our per branch business increases. मध्य प्रदेश में इस तरह की बैंकिंग शाखा को प्रारंभ करने से जहां ग्राहकों की सुविधा होगी, वहीं युवा वर्ग बैंक से तकनीकी माध्यम से जुड़ सकेंगे। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में बेहतर कार्य करने वाली शाखाओं को पुरस्कृत किया गया, साथ ही अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करने पर जोर दिया गया। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अपनी तुकबंदी के जरिए कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। गाडरवारा में होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह दीवान के समर्थन में सिद्धू ने सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गाडरवारा में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा का प्रचार मंत्री बताया और भाजपा सरकार को जुमलों की सरकार बताया। सिद्धू ने अपने भाषण में मजाकिया अंदाज में मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जीएसटी और नोटबंदी ले डूबी आम आदमी को ना तो 15 लाख मिले ना रोजगार मिला और अब मोदी काहे के चौकीदार हैं। ना राम मिला ना रोजगार मिला, हर गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला। ये तुम्हारी देशभक्ति है? ये तुम्हारा आपसी भाईचारा है? धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हो, जाति के नाम पे लोगों को बांट रहे हो? चौकीदार कहते हैं अपने आप को मोदी साहब? अरे अंधी के नैनों को खुमार आया है, आज गंजों को कंघी का प्यार आया है। अंधी के नैनों को खुमार आया है, आज गंजों को कंघी का प्यार आया है। अंधों के बाजार में दोस्त, अंधों के बाजार में आइनों के खरीददार हैं
और शहर के सारे चोर कह रहे हैं हम भी चौकीदार हैं। सिद्धू ने सभा में कहा उदय प्रताप को अस्त करना है और ऐसा छक्का लगाना है कि मोदी गेंद की तरह बाउंड्री पार कर जाएं। सिद्धू यहीं नहीं रुके, उन्होंने जमकर चौकीदार चोर है के नारे लगवाए। सिद्धू की इस आम सभा में भीड़ नजर नहीं आई। सिद्धू ने पाकिस्तान प्रेम की वजह से लोग अब उनसे कतराने लगे हैं। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको फेरन समाचार। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। नमस्कार, फेरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, चुनाव में तो ऐसी वेरेंट वेरेंट किस्म की खबरें आ रही है, मजा आया है उनकी। ये अपने दिग्विजय सिंह साहब हैं भोपाल के प्रत्याशी, ये क्या कह रहे हैं कि हम बर्रूघाट भोपाली बनेंगे। बताओ, बर्रूघाट भोपाली के लिए बहुत क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। पटियों पे बैठना पड़ता है, टाइम वेस्ट करना पड़ता है। ये इनके पास है क्या इतना टाइम? ये चुनाव में कुछ भी बोलने से चलता नहीं है, बता रहा हूँ। बर्रूघाट भोपाली हमारा क्या होगा, ये बर्रूघाट बन जाएंगे तो। और दूसरा, ये खबर बता रहा हूँ मैं इधर पे, आकाशवाणी में जो फूल वूल से संबंधित ये जो गाने हैं ना, उन्होंने बैन कर दिया सुनाना। जैसे फूल तुम्हें भेजा है हाथ में, ये क्या होगा वो क्या होगा, ऐसे ऐसे गाने, मतलब चुनाव का असर गानों पे भी हो रहा है। और जो कलाकार खड़े हुए उनके भी गाने नहीं सुनाए जा रहे, बता रहे, उन पे भी बैन लगा दिया आकाशवाणी वालों ने। ये तो चल रहा है, चुनाव का असर बहुत दिख रहा है। और ये खबर इधर देख लो, स्मृति ईरानी खेत में जो आग लग गई थी उसको बुझाने चली गई। हमें बता रहे हैं ये आग तो जाने पूरे देश में लग रही है। ऐसे ऐसे ये इनके मुझे जो नेताओं के मुझे ऐसे आता गर्मी निकल रही है, बता रहा हूँ, बहुत खतरा चल रहा है। और ये खबर एक देख लो, वो ये हवाई जहाज वालों की हालत, कंपनी वालों की हालत तो बहुत बुरी हो रही है, बता रही हूँ। ये पहले किंग फिशर का काम लग गया, अब ये जेट के बाद पवन हंस जो है एयरवेज उनके उसमें भी है, सैलरी वैली देने में तकलीफ हो रही है। और मैं बता रही हूँ हवाई में उड़ने का काम, मैं तो कह रहा हूँ बैलगाड़ी वगैरह खरीदो, घोड़ा वोड़ा खरीदो, पुराना जो सिस्टम था वो अच्छा था। मैं तो अभी एक बैलगाड़ी खरीदूंगा, बता रही हूँ। हाँ, और दूसरा ये देख लो आप, ये बीजिंग में एक जो फिल्म है ना एवेंजर्स एंड गेम, इसका जो आखिरी फिल्म है, इसको देख के वही एक इतनी इमोशनल हो गई, उनको पता लगा ये इसके बाद बनेगी नहीं, इतनी इमोशनल हो गई, इतनी रोई, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। बताओ फिल्मों में भी कितना दिमाग है, अपना दिल लगा लेती हैं लोग। मैं कह रहा हूँ फिल्मों को फिल्मों की तरह लो, असली ज़िंदगी अलग होती है, फिल्में अलग होती हैं। हाँ, और ये खबर न्यूयॉर्क से बहुत अच्छी खबर आ रही है, बता रहे हो, इन्होंने कार फ्री डे अर्थ डे मनाया। उसने साइकिल चलाई लोगों ने, पैदल चली, कितनी अच्छी बात है। कितना पॉल्यूशन फैल जाता है ये कारोबारों से, मैं बता रही हूँ, वही जमाना आ जाना चाहिए। मैं तो अपना घोड़ा है टक 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 लेके जाऊंगा, बहुत मजा आता है। हाँ, देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।